जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा आपके प्रश्नों के अनुसार ही इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं, तो आपने पिछले कुछ समय से लगातार बजाज अलायंस रिलेटेड उनके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, तो मैंने आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में प्रोवाइड की थी। और वहीं पर ही आपने ये भी क्वेश्चन किया, राइट, और एक व्हाट्सएप पर भी किसी ने मेरे से पूछा था कि ये इशू है, मैं किस तरीके से आगे जा सकता हूँ, अपनी कंप्लेंट को कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, और वीडियो को अदरवाइज ना लिया जाए, ये सिर्फ एक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए है, क्योंकि हम मानते हैं कि अगर कस्टमर के पास में प्रॉपर एजुकेशन है तो कंपनी को भी अपना काम करने में आसानी रहती है और समय पे उसका काम भी कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि अगर एक कस्टमर का क्लेम होता है, एक पॉलिसी होल्डर का, एक इंश्योर्ड व्यक्ति का अगर क्लेम आता है, तो कंपनी ईजिली अपनी बात कस्टमर को समझा पाती है और कस्टमर भी ईजिली सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है कंप्लीट कर पाता है ऑन द टाइम, तो क्लेम इजिली वहां पे सेटल हो जाता है। तो यही चीज ध्यान में रख के हम सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड करेंगे। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। सबसे पहले हमें समझना होता है अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को। देखिए, इमोशनली होकर के अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट ले लिया, अब मेरे को सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्रॉस चेक करनी पड़ेंगी, उसकी ड्यूटी थी, इसकी ड्यूटी थी, तो इन चीजों से काम नहीं चलेगा। आपको पहले समझना यही होगा कि आपका प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट के अंदर एक्सक्लूजन क्या है, उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, फिर आपको समझना है कि क्लेम प्रोसीजर क्या है, क्लेम में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने ही वाली है जो आपके पास होने चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस है तो क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या डॉक्यूमेंट होंगे। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि जब आप अपना पॉलिसी का जो फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद उससे पहले ही जो पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं कंपनी की वेबसाइट पे, जिस भी प्रोडक्ट को आप लेते हो उससे रिलेटेड, वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल होती है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट, या उसको हम पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसी बॉन्ड के नाम से भी उसको पुकारते हैं, अलग अलग नाम से वहां पे ये अवेलेबल होता है, जैसे कि नाम मैंने अभी आपको बताया। उसके अंदर सारी चीजें अवेलेबल होती है कि अगर आप इतना क्षमा छोड़ लोगे, सरेंडर वैल्यू ये होगा, या अगर डेथ केस हो जाता है, एक्सीडेंटल केस है, नॉर्मल है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, किस तरीके से कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ कहाँ करना है, सारी डिटेल उसमें अवेलेबल होती है, तो वो चीज हमें पढ़नी है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो पॉलिसी वॉर्डिंग को हमें पढ़ना, उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती हैं कि अगर एक्सीडेंटल केस है, नॉर्मल केस है, या कोई डे केयर का है, या किसी सर्जरी का क्लेम है, वहां पर सारा कुछ लिखा रहता है, वो हमें क्रॉस चेक करना है। जब हमें ये चीज पता लग जाती है तो हम जान जाते हैं कि क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कितना टाइम लगेगा, किसे कॉन्टैक्ट करना है, किस टाइम पे करना है, राइट। जब ये चीजें हमें क्लियर हो जाती है, देन उसके बाद हम जाते हैं कंपनी के कस्टमर केयर पे। सबसे पहले कस्टमर जो सपोर्ट टीम होती है उसको हम कॉल करते हैं। अगर हमने कॉल की और हमारी कॉल अगर कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो हमें इमीडिएटली वहां से ईमेल डिटेल निकाल के, जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी वॉर्डिंग में ऑलरेडी होती है, कस्टमर जो केयर होता है, कस्टमर सपोर्ट टीम होता है, उसकी जो डिटेल्स होती हैं, जो ईमेल आईडी होती है, उसमें अवेलेबल होती हैं, वहां से हम निकाल के डायरेक्टली हम ईमेल वहां पे राइट करेंगे। ईमेल राइट करते हैं तो विद इन 24 आवर्स या मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 48 आवर्स के अंदर हमें रिस्पॉन्स मिलता है और हमारे पास ऑलरेडी कॉल शेड्यूल कर दी जाती है और हमारी प्रॉब्लम सुनी जाती है कि किस किस तरीके से है। तो जब पहले 15 दिन के अंदर आपको किसी भी तरीके का कोई स्टेटस नहीं पता लगता है और आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या चल क्या रहा है, 15 दिन हो गए, कोई क्वेरी नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो फिर आपको ग्रेवेंस रेडेंशियल जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास में अपनी कंप्लेंट्स को पहुंचाना होता है। कब? जब शून्य रिस्पांस हो जाता है, जब आपको कोई रिस्पांस मिल ही नहीं रहा, आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है, तब आप ग्रेवेंस रेडेंशियल ऑफिसर के पास जाएंगे, या आप सेटिस्फाइड नहीं है तो भी आप जा सकते हैं। उसके लिए कंपनी का नाम और ग्रेवेंस जब हम लिखते हैं तो ऑलरेडी गूगल पे top 3 लिंक आ जाते हैं, उनमें से हमें लिंक मिल जाता है, वहां हम चले जाते हैं क्लिक करके। तो इन्होंने इस कंपनी का नाम लिया जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, उन्होंने कमेंट में लिखा है, तो हाँ, अगर हम गूगल पे जाके कंपनी का नाम और ग्रेवेंस कंप्लेंट अगर एड कर देते हैं तो जो top 3 लिंक होते हैं वहीं पे एक लिंक हमें मिल जाएगा, उस पर हम क्लिक कर लेंगे और वहां पे हमें इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अगर इस कंपनी का है तो मैंने ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
और फिर जब आप बॉटम ऑफ द पेज जाते हैं, वैसे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, व्हाट्सएप से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं या लाइव चैट करना चाहते हैं या ईमेल चैट करना चाहते हैं या डायरेक्टली आपको ग्रीवेंस जो रेजिडेंशियल ऑफिसर हैं उनसे ही आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो उस पीडीएफ में इनके जो ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं उनकी पूरी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी, किस किस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करना है। पहले 15 डेज अगर कंपनी से कॉन्टैक्ट करा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम यहाँ पे पहुंच गए, राइट। अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर्स के पास पहुंच गए हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ केस हमने नरेट कर दिया, इनको बता दिया सारी चीजें। अब हम यहाँ पे ऑनलाइन ट्रैकिंग करेंगे क्योंकि 30 डेज का ही टाइम लगता है ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे भी आप ज्यादा से ज्यादा 45 डेज, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, 30 डेज के अंदर सारा यहाँ पे मैटर सॉल्व कर दिया जाता है क्योंकि इनके पास में भी डेडलाइन होती है कि इतने दिन के अंदर काम हो जाना चाहिए कस्टमर का, कस्टमर परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या वहां से आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रैक करने के लिए भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस जो जैसे मैंने बताया था उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये टॉप 3 हमें यहाँ पे जो कलर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ आता है, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है राइट उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं पॉलिसी नंबर अपना डिटेल डालेंगे तो आपका जो ग्रीवेंस कंप्लेंट का जो ट्रैकिंग आपको करने की स्टेटस के वहां से आपको पता लग जाएगा। और स्टेटस आपको नहीं पता लग रहा, अंडर प्रोसेस नहीं दिखा रहा या कुछ इश्यू नजर आ रहा है तो आप उसको एस्केलेट भी कर सकते हैं वहीं के वहीं, ये काम हो गया कंपनी की वेबसाइट से। अब जब हम ये सारा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं देन उसके बाद में हम IRDI के पास जा सकते हैं। अगर हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिला है या कंपनी ने हमें रिस्पॉन्स नहीं दिया है या हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर दिया है तो हम यहाँ पे एस्केलेट कर सकते हैं मैटर को IRDI के पास में। अब IRDI एक प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेगा, उनका ग्रीवेंस का सेल है वहां पे आपका मुद्दा यहाँ जाएगा केस, मतलब की राइट वो क्या करें कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी। अगर वो कंपनी को कांटेक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, अलर्ट दे रहे हैं और वो अगर आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से देन वो स्वतः ही अपने आप ही एक डिसीजन देंगे जो कंपनी को मानना होगा और वो आपके फेवर में हो सकता है, ठीक है। अब इसी के साथ हम बीमा लोकपाल से भी कॉन्टैक्ट करते हैं। बीमा लोकपाल से कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें यह जानना होता है कि हम जिस जोन में रह रहे हैं, जिस भी एरिया में रहे हैं, वहां पे कौन सा बीमा लोकपाल जो है अवेलेबल है, तो उसका डिटेल भी हमें IRDI की वेबसाइट पे मिलता है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बॉटम ऑफ द पेज जाएंगे तो वहां पे आपको रेड कलर के ये लिंक मिल जाएंगे, हाइपर लिंक हम इनको बोलते हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली सारी डिटेल आपके पास निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे क्विक रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले हमें समझना है अपने प्रोडक्ट को, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, और हमें जानना है क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, किसको हमें कॉन्टैक्ट करना है, जो कि हमारे ऑलरेडी पॉलिसी कॉन्टैक्ट या पॉलिसी वॉर्डिंग में अवेलेबल है। हमें वो चीजें अच्छे से समझनी है, समझ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ते हुए रीड करते हुए कंपनी का कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट करके हम उनसे समझ सकते हैं। अगर वो भी हेल्प नहीं कर रहे हैं तो अपने इंश्योरेंस एडवाइजर को हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज हमें आती है कि हमें कस्टमर के सपोर्ट टीम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी वॉर्डिंग में अवेलेबल होती है या कंपनी की वेबसाइट से हमें मिल जाती है। 15 डेज तक हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, अगर हमें वहां से सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता, हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो हम ग्रीवेंस ऑफिसर्स के पास में जाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाती है। 15 डेज वहां हो गए, फिर हम 30 डेज तक ग्रीवेंस ऑफिसर्स का वेट करते हैं। अगर वहां से भी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें नहीं मिलता है देन हम IRDI के पास में चले जाते हैं या बीमा लोकपाल के पास हम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, बीमा लोकपाल जो होता है इस तरीके के केसेस में केवल 30 लाख रुपीज तक के लिए ही आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और देखा यही गया है ज्यादातर जो 30 लाख से कम वाले केसेस होते हैं वहीं पे हमें ज्यादा ऐसे इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं कि कस्टमर को पता नहीं है क्या करना है और मैटर एस्केलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, पता नहीं लगा पाते क्या करना है, तो वह सोशल मीडिया पर जाके गालियां देते हैं, राइट। और भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी ने पैसे लेके कोई चीज लिया उसको सर्विस नहीं मिलेगी तो वो गाली ही देगा, फेयर इनफ है। लेकिन अगर हमारे पास एजुकेशन होगी तो हम वहां एनर्जी वेस्ट ना करके राइट डायरेक्शन में एनर्जी लगाएंगे अपनी, तो हम अपना क्लेम ले पाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हो कि 30 लाख से ऊपर का अगर क्लेम है तो कहां पे कंप्लेंट करना है, किस तरीके से करना है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूंगा।